टुडे टॉपिक इज सोशल साइको सोशल केयर, ठीक है। दिस क्लास फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। साइको सोशल, हमें साइको सोशल केयर क्यों पढ़नी है नर्सिंग में, क्या इम्पोर्टेंस है और साइको सोशल होता क्या है, ठीक है। साइको सोशल मीन्स होता है इंटर रिलेशन ऑफ सोशल फैक्टर एंड इंडिविजुअल थ्रू आउट एंड बिहेवियर या फिर इंडिविजुअल थॉट्स, ठीक है। मीन्स देर इज अ इंटर रिलेशन ऑफ सोशल फैक्टर्स टू द इंडिविजुअल। मतलब साइको सोशल केयर क्या है, केयर में क्या होता है, जो हमारे सोसाइटी में या सोशल फैक्टर्स होते हैं उनका इम्पैक्ट पड़ना हर एक इंडिविजुअल पे के बिहेवियर पे, उनके थॉट्स पे, ठीक है, उनके थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है, वो होता हमारा साइको सोशल। नाउ कम टू साइको सोशल केयर। साइको सोशल केयर में क्या होता है कि हमें उन फैक्टर्स को जानना होता है, ताकि पेशेंट क्या होता है, समटाइम्स जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो वो एंगर शो करते हैं कि उनको एंगर हो रहा है या कुछ भी ऐसा हो रहा है, ठीक है, उस चीज़ पे इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, या फिर मीन्स क्या है, वो अपनी डिसीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, तो हमें उन्हें कैसे उन फैक्टर का रिलेशन उनके ऊपर कैसे इफ़ेक्ट कर रहा है साइकोलॉजिकली फिजियोलॉजिकली, वो सब समझाना पड़ता है और उनको रेडी करना पड़ता है कि आपको ये चीज़ें माननी पड़ेगी, जिसके थ्रू क्या है पेशेंट जान पाता है अपनी बीमारी के बारे में, ठीक है। नाउ कम टू द इंट्रोडक्शन। फर्स्ट वी स्टडी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑफ लिविंग एंड डाइंग। जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ के लिए, जिसके बेस पे लाइक इसमें हमारे क्या होता है, ये कंडीशन होती है, ठीक है। साइकोलॉजी में क्या होता है, हमारे जो साइकोलॉजिकल चीज़ें होती है उसमें क्या होता है, हमारा मेंटली स्टेटस होता है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, हम इमोशनली और मेंटली जो हमारी स्ट्रेंथ होती है वो इफ़ेक्टेड होती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में इन्फ्लुएंस आउटकम ऑफ फिजियोलॉजिकल चेंजेस। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स अगर हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा, तो जो हमारा फिजियोलॉजिकल चेंजेस है वो भी अलग से शो ऑफ होंगे, मतलब जो हम फिज़िकली शो ऑफ करते हैं उसमें भी अपने आप ही चेंजेस आ जाएगा। मीन्स इसका मतलब क्या है, जो हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर वो हमारे फिजियोलॉजिकल को भी इफ़ेक्टेड करते हैं। क्लियर दिस टू पॉइंट्स। नाउ नेक्स्ट वन इज़ रिगार्डलेस ऑफ देयर इम्पैक्ट ऑन सर्वाइवल, द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ साइकोलॉजिकल फैक्टर हैव एन इन्फ्लुएंस एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं लाइफ के, वो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इफ़ेक्ट करते हैं, हमारी जो लाइफ की क्वालिटी है कि हम अच्छे से जी रहे हैं, हैप्पीली जी रहे हैं या अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमें डिप्रेशन नहीं है, उस चीज़ को भी वो इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। इट्स योर ओनली इंट्रोडक्शन कि हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर कैसे हमारी लिविंग को इफ़ेक्ट करते हैं, कैसे हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं, इसलिए हम साइको सोशल केयर स्टडी करते हैं। साइको सोशल में हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा सोशल फैक्टर है, वो कैसे हमारे इंडिविजुअल को इफ़ेक्ट कर रहे हैं वो स्टडी करते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट रिलेटेड टर्म। सम ऑफ टर्म्स होती है हमारी जो हम स्टडी करते हैं या जो हम जानते हैं या हम सुनते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, एंगर हो गया, ठीक है, ऐसे ही हमारा होता है स्ट्रेसर और स्ट्रेस। स्ट्रेसर जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट होता है, स्ट्रेस इज योर एक्सपीरियंस, ठीक है। स्ट्रेसर इवन दैट हैव द कैपेसिटी टू इंड्यूस ए इमोशनल डिस्ट्रेस। इसमें क्या होता है कि इवेंट होता है जिसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि आपको इमोशनली मेंटली डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है, आपको इफेक्टेड इतने लेवल पे कर देगा कि आपका जो मेंटल स्टेटस है, इमोशनल स्टेटस है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। और स्ट्रेस इज़ योर एक्सपीरियंस, जो मैं स्ट्रेसर जो इवेंट के थ्रू जो क्रिएट हुआ है ना, वो हमारा स्ट्रेस है, ठीक है। स्ट्रेस मीन्स द एक्सपीरियंस ऑफ इमोशनल डिस्ट्रेस। ये क्या हो गया, एक एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम एक इमोशनल डिस्ट्रेस का, दैट्स इट, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम एक, हाउ स्ट्रेस में एक्सलरेट द प्रोग्रेसिव HIV डिसीज, या कोई भी आप डिसीज ले सकते हो या कोई भी आप बीमारी ले सकते हो, ठीक है, उस पर कैसे एक स्ट्रेस जो है इफ़ेक्ट करता है क्या, जैसे नॉर्मल भी अगर हम कैंसर पेशेंट लेते हैं या HIV पेशेंट लेते हैं, ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट लेते हैं, ठीक है। या आपने कभी भी ऑब्जर्व किया होगा, अगर किसी पेशेंट को अपनी बीमारी के बारे में नहीं पता होता तो वो डिसीज़ उसको इतने इफेक्टेड नहीं करते, वो फिर भी अपनी डेली एक्टिविटी और फिजिकली एक्टिविटी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उसको अपनी बीमारी के बारे में पता लगता है, फर्स्ट तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि लाइक जैसे कैंसर का पता लगता है तो पेशेंट इतने ईजिली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ ठीक है, दे डिनाई, वो कम्प्लीटली डिनाई करना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है, लेकिन जब धीरे धीरे उनको पता लग जाता है, वो एक्सेप्ट अपने एक्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं, उनको स्ट्रेस होने लग जाता है। अब स्ट्रेस किसी भी रीज़न का हो सकता है उसमें, कि ये हमें कैसे हुआ, अगर अब हो गया तो हम ठीक होंगे या नहीं होंगे, तो उससे क्या होता है, स्ट्रेस लेते लेते वो मेंटली डिस्टर्ब होने लग जाते हैं और इमोशनली भी डिस्टर्ब होने लग जाते हैं, वो दूसरों से भी कॉपरेट नहीं करते या दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव भी नहीं करते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स। दे आर मैनी साइकोलॉजिकल इफेक्ट, कुछ भी हो सकते हैं। द फॉलोइंग हैव एन इम्पैक्ट ऑन साइकोलॉजिकल वेलबींग। ठीक है, जैसे एंजाइटी हो गया हमारा, फियर हो गया, डिप्रेशन, लोनलीनेस, सफरिंग, डिपेंडेंसी, डिक्रीज सेल्फ एस्टीम, ठीक है, या डिस्पेयर, सेटिस्फेक्शन विद द केयर, एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस, डिनाइल एक्सेप्ट। ठीक है, क्या हो सकता है इसमें हमारा, एंजाइटी फियर होगा तो एंगर, गिल्टी, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ द डिसीज, प्रोग्रेस, प्रोग्नोसिस, सेटिस्फैक्शन विद द केयर, डिस्पेयर, एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस, डिनाइल एक्सेप्टेंस। ठीक है, ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। लाइक कि मान लो पहले हमने पेशेंट को वो चीज़ बताई कि आपको ना कैंसर है, तो पेशेंट को पहले उसने डिनाई की, बट आफ्टर सम टाइम उन्होंने एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो उनको स्ट्रेस भी हुआ, उसके बाद उनको एंजाइटी होने लग जाएगी, क्या मैं उसे क्योर कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, कवर अप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या मेरा ट्रीटमेंट प्रॉपरली हो भी पाएगा ही नहीं। ठीक है, फिर धीरे धीरे पेशेंट को एंगर आने लग जाता है कई बार ना, या वो डिप्रेशन में भी जा सकता है कि या मेरे साथ ही ये सब कुछ होना था, मेरी वजह से ये है, या वो ये भी सोचने लग जाता है मेरी वजह से मेरी फैमिली भी डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट लोनलीनेस भी रहने लग जाता है, किसी से बात नहीं करता, उसका जो सेल्फ एस्टीम होता है वो भी चला जाता है, मतलब डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, उसको लगने लगता है कहीं ना कहीं मैं बर्डन हूँ अपनी फैमिली पे या कुछ भी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना, पेशेंट को एक प्रॉपर केयर कर प्रोवाइड करनी है। हमें पहले उसके फैक्टर्स को जानना, पहले जैसे पेशेंट एंगर शो करता है, एंजाइटी शो करता है, तो हमें जानना है, ठीक है, कि पेशेंट एंजाइटी क्यों है या उसका एंगर करने का क्या है। और लेकिन अगर पेशेंट एंजाइटी या एंगर या डिप्रेशन शो करता है, तो हमें उसके एंगर को भी कामली, एंजाइटी को भी कामली, सब चीज़ों को कामली डील करना होता है, ना कि वो एंगर करे तो हमें भी एंगर करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द साइकोलॉजिकल इफेक्ट अनसर्टेनिटी। हमारे जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होते हैं उनका मीन्स हम कोई ये नहीं कह सकते कि इतना ही परसेंट होगा या इतना ही हो सकता है, दे मे बी, और वो कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द फेसिस ऑफ इलनेस। ठीक है, देर इज़ बहुत सारे फेसिस होते हैं, एक्यूट, क्रोनिक, ठीक है, या रिकवरी फेसिस भी आते हैं, रिहेबिलिटेशन फेसिस भी आते हैं हमारे डिसीज़ के टाइमिंग पे। तो ऐसे ही हमारे इलनेस के होते हैं, यहाँ देर इज़ अ थ्री फेजेस, एक्यूट एडजस्टमेंट अराउंड डायग्नोसिस होता है, पीरियड ऑफ क्रोनिक इलनेस और टर्मिनल फेज होता है, डेथ इज एन साइट होता है। ठीक है, थ्री फेजेस हम इसमें स्टडी करते हैं। नाउ कम टू अ एग्जाम्पल। ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें देखते हैं कि स्ट्रेस या डिप्रेशन या ये कैसे हमारे साइकोसोशल चीज़ें जो है इफेक्ट कर रही है एक पर्सन को। ठीक है, कोई भी हम पेशेंट ले सकते हैं, मिस्टर एक्स वाई जेड या वट एवर, उसकी हम स्टोरी स्टडी करेंगे एंड योर कनेक्शन हम देखेंगे। ठीक है, योर फर्स्ट पॉइंट इज ही इज टोल्ड यू, ठीक है, दैट हीज कैंसर इज प्रोग्रेसिव। ओके, हमें पता लगा उसका कैंसर जो है प्रोग्रेसिव है। ओके, यू लर्न दैट मिस्टर एक्स वाई जेड ले सकते हो, जैसे यहाँ पे रोजना है, इज़ अफेयर ऑफ पेन मोर देन डेथ। पहले हमें क्या पता लगा कि पेशेंट को ये नहीं है कि वो मर जाएगा कैंसर की वजह से, उसको सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का हो रहा है कि उसको पेन होगा। या कैंसर होता तो कैंसर में हम बहुत सारी थेरेपीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कीमोथेरेपीज होती है, तो उसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ठीक है, तो पेशेंट को फेयर क्या है, यहाँ पर पेन का फेयर है। ठीक है, इसके बाद क्या, यू आर रीअश्योरेंस हिम दैट यू आर कमिटेड टू रिलीविंग एनी पेन। उसके बाद हमने उनको रीअश्योरेंस दिया या हमने उनको बताया कि हम आपके पेन को रिड्यूस करेंगे सम ऑफ लेवल तक, हम जितना कम कर पाएंगे आपके पेन को कम करेंगे। इट्स लाइक कि उनका इसमें क्या हो गया, उनके एंजाइटी को कहीं ना कहीं एक रिलीफ मिला कि हाँ ठीक है, मुझे दर्द होगा तो उस दर्द का भी ट्रीटमेंट है वो कम किया जाएगा। यू असेस हिम फ्रिक्वेंटली फॉर पेन। तो हमें पहले क्या पता लगा था पेशेंट का, कि पेशेंट को पेन से फेयर है। ठीक है, तो हमने उसके पेन के बारे में उसे बताया कि हम पेन रिड्यूस करना चाहेंगे। अब हम पेन रिड्यूस करना चाहेंगे तो पहले हमें असेस करना पड़ेगा पेन के लेवल को, कि उसको कितना पेन होता है, जिसके लिए हम पेन स्केल यूज़ कर सकते हैं या जिसको हम वास स्केल भी बोलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं।
पॉजिटिव रिजल्ट बेस्ड ऑन विजिट, ठीक है। अब जब हमें देखो, अगर हम पेन स्केल भी यूज़ कर रहे हैं तो 0 to 10 होता है, हम पेन स्केल लगा लेंगे, उसमें हम फेशियल यूज़ करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू पेशेंट से मार्क करवाते हैं कि आपको कितना है सीवियर पे है। 8 to 10 में आ गए तो पेशेंट को सीवियर, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि पेशेंट को बहुत सीवियर पेन है 8 to 10, तो हम पहले उसे ट्राई करेंगे कि हम उसको डिक्रीज करके मॉडरेट पे लेके आएँ, देन माइल्ड पे लेके आएँ, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ पेन स्केल वी असेस द पेन लेवल। नाउ कोपिंग विद द फार एडवांस डिसीज, अब हमें कोपिंग भी देखने है कि पेशेंट कैसे कोपिंग कर सकते हैं, या हमें कैसे कोपिंग करवानी, या पेशेंट की क्या अप्रोचेज रह सकते हैं, या क्या रिस्पॉन्स रह सकते हैं, ठीक है। अप्रोचेज टू कोपिंग कैन बी अडप्टिव और माल अडप्टिव, या इट्स राइट, जो हमारी कोपिंग कैपेसिटी होती है, कोपिंग स्ट्रेटजी होती है, या हम कोपिंग कैसे भी करते हैं, वो अडप्टिव भी हो सकते हैं, मार अडप्ट। जरूरी नहीं है कि जो भी हम पेशेंट को बताएंगे पेशेंट वो सारी चीज़ें करें, इट्स नॉट पॉसिबल। वो कुछ चीज़ों के लिए एग्री भी हो सकते हैं, कुछ के लिए मना भी कर सकते हैं, या कुछ चीज़ें हो सकते हैं कि हाँ वो परफॉर्म की जा सकती है, कुछ चीज़ हो सकती है जो परफॉर्म ना कर पाएँ, ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि रिस्पॉन्सिव फ्रिक्वेंटली क्या ऑब्जर्व करने के लिए हमें मिलते हैं पेशेंट के। डिनाई इट्स वेरिंग, कि हम कोई भी हाईली डिसीज अगर किसी पेशेंट को बताते हैं तो पेशेंट हमेशा पहले उसे रिफ्यूज़ ही करता है, वो डायरेक्ट एक्सेप्ट नहीं करता है। जब वो उस चीज़ को जानने लग जाते हैं तो पेशेंट के अंदर फियर डेवलप हो जाता है, एंजाइटी डेवलप हो जाती है। फियर एंजाइटी आने के बाद पेशेंट दो, या तो वो एंगर शो करेगा, या वो डिप्रेशन में भी जा सकता है, या विड्रॉ भी कर सकता है अपने आप को, सबसे दूर होने लग जाएगा वो, किसी से बात भी नहीं करेगा, और मीन्स लाइक नहीं मुझे नहीं बात करनी, मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करूँगा, जाओ यहाँ से मुझे अकेला छोड़ दो, ऐसा भी हो सकता है। या पेशेंट एक्सेप्ट कर लेगा, सम ऑफ टाइम जब उसने विड्रॉ कर लिया, डिप्रेशन देख लिया, उसके बाद वो फाइनल एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ ठीक है मुझे कैंसर है, मैं समझता हूँ इसके टाइम पे मुझे दर्द भी होगा, मुझे ये दवाई है, वो अपनी बीमारी के बारे में अपने बारे में कम्प्लीटली समझ जाएगा, जान जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारे आता है रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन क्या होता है, वो पेशेंट क्या कर रहा है, द एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग अंडर डिजायरेबल बट इनवाइटेबल, ठीक है। कुछ चीज़ें जो हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, जो हम एक्सेप्ट नहीं करने लेकिन फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो अनडिज़ायरेबल चीज़ हो तुम, और एंगर इसकी हो, एंगर पेशेंट गुस्सा तो करता ही है जब उसे कोई प्रॉब्लम होती है, वो डिस्कम्फर्ट होता है, तो ये सब क्या है, ये रिस्पॉन्स है, ये चीज़ें जो हम पेशेंट की देख सकते हैं, एक्टिविटीज़ हम ऑब्जर्व कर सकते हैं ड्यूरिंग एनी डिसीज़, ठीक है। जो भी पेशेंट किसी कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस या HIV से डील करता है, तो सब चीज़ों के लिए वो ये शो कर सकते हैं। योर नेक्स्ट, हमने अभी पढ़ा था डिनाई। डिनाई मतलब डिनाई कर दे, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, वो मानेगा ही नहीं कि उसको ये बीमारी है, ठीक है। डिनाई के दो एक्सपेक्ट हो सकते हैं हमारे, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट, डिनाइल कैन बी बेनिफिशियल इन द शॉर्ट टर्म इफ द पेशेंट सस्टेन इंटेग्रिटी एंड पर्सनल फ्रीडम। डिनाई क्या होता है, कुछ लेवल तक, सम ऑफ लेवल, या कि ओनली द सम लेवल, या छोटा सा पार्ट अगर कहे तो उस चीज़ पे हम कह सकते हैं बेनिफिशियल है, कि अगर पेशेंट एकदम से आया, अगर कुछ टाइम के लिए पेशेंट डिनाई करे कि नहीं ठीक मैं नहीं मान रहा ये चीज़ है, या हमारी छोटी सी कोई डिसीज़ होती है उनमें अगर बोलता है तो हम फिर भी इसको एक्सेप्ट कर ले, लेकिन फॉर द कैंसर पेशेंट या अदर पेशेंट जो सीवियर इल डिसीज़ वाले होते हैं, उस फेस पर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। नेगेटिव एस्पेक्ट और टू डिनाई मे इंटरफेयर विद द टर्मिनल इल पर्सन गेटिंग हिज और हर अफेयर इन ऑर्डर, ठीक है। मीन्स अगर वो डिनाई किए जा रहे, बार बार किए जा रहे, वो चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, तो क्या वो जान ही नहीं पाएंगे कि वो एक्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, ना तो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले पाएंगे, ना हम प्रॉपरली जान पाएंगे कि पेशेंट क्या सोच रहा है, क्या चीज़ है, ठीक है। अंडर सच सर्कमस्टांसेस इट विल बी यूजफुल टू वर्क विद द पेशेंट अलोंग दिस लाइन, ठीक है। हमें क्या है, ऐसी सिचुएशन में पेशेंट के साथ कामली डील करना है, और उनसे मतलब लाइक कि हम क्या कर सकते हैं, अगर वो बिल्कुल ही चल रहा है कि नहीं हमें नहीं एक्सेप्ट करना, नहीं माना, तो हम उनसे सम ऑफ क्वेश्चंस अराइज कर सकते हैं, या उनको एक नेगेटिव सिचुएशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। व्हाट इफ़ यू वर नॉट गोइंग टू रिकवर, व्हाट वुड यू नीड टू डू, ठीक है। मतलब कि उनको हम बोल सकते हैं, अगर तुम नहीं मानोगे, अगर तुम हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे, ट्रीटमेंट नहीं लोगे, तो क्या होगा अगर रिकवरी नहीं हुई तो, या फिर क्या चाहिए तुम्हें, क्या करना चाहते हो, ऐसे क्वेश्चन करके हम पेशेंट से बात कर सकते हैं कि इंटरनली उनका क्या चल रहा है, उनको क्या कॉन्फ्लिक्ट है, वो क्या सोच रहे हैं, या क्या फैक्टर्स हैं जो उनको इफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इज योर फियर एंड एंजाइटी, ठीक है। दीज आर टू टर्म्स, फियर एंड एंजाइटी। फियर द रिस्पॉन्स टू परसीव डेंजर, फियर डर, हमें डर लगता है किसी चीज़ का, रिस्पॉन्स टू परवेज कि इसकी वजह से हमें कुछ डेंजर हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। देर आर सो मैनी पीपल हु हैव अ फोबिया,
डर होता है उनको, या कुछ को किसी भी चीज़ से होता है, लिजार्ड से होता है। एंजाइटी इज़ अ नॉन स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, ठीक है। फियर जो होता है एक स्पेसिफिक परसिव रिस्पॉन्स होता है किसी चीज़ के रिगार्डिंग। एंजाइटी इज़ नॉन स्पेसिफिक, एंजाइटी घबराहट हो रही है एकदम से हम एंजाइटी शो कर देते हैं, ये कोई एक स्पेसिफिक चीज़ से नहीं है, कुछ नहीं, वो किसी भी चीज़ को लेके एंजाइटी हो सकती है, ठीक है। नाउ एंजाइटी से लाइक एग्जाम्पल की एग्जाम के टाइम पर भी हमें एंजाइटी हो जाती है, ठीक है। नाउ अदर एक्सपेक्ट, टर्मिनी इल पर्सन में एक्सपीरियंस बोथ ऑफ दीज रिस्पॉन्स, जो बहुत ज़्यादा टर्मिनी इल पर्सन होता है वो दोनों ही रिस्पॉन्स को एक्सपीरियंस कर सकता है, फियर को भी और एंजाइटी को भी। ट्रीट बोथ फियर एंजाइटी बाय एक्सप्लोरिंग कंसर्न ऑफ द पेशेंट, हमें दोनों ही चीज़ों को ट्रीट करना है, उसके फियर को भी उसकी एंजाइटी को भी, ठीक है। फियर एंजाइटी को हम कैसे करेंगे, लाइक कि हम पहले उनको सारी चीज़ सारी कंडीशन सारा ओरिएंटेशन हम दे के रखेंगे पेशेंट को, लाइक हम हॉस्पिटल का ओरिएंटेशन देंगे, वार्ड का ओरिएंटेशन देंगे, फिर उनको हम डिसीज़ के बारे में बताएंगे, उसके साइड इफ़ेक्ट्स बताएंगे, जो भी हम प्रोसीजर करने जा रहे होंगे उनके पॉजिटिव वे भी उनको बताएंगे, और लाइक कि पेशेंट डर रहा होगा किसी, तो उन्हें पहले हम किसी और का डेमो दे के भी दिखा सकते हैं। अ मेजर कंसर्न बीइंग इन अ पेन विदाउट एप्रोप्रिएट मेडिकेशन, फियर ऑफ सफरिंग मोर देन डेथ, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है तो पहला पेन का ही फेयर होता है। हमने अभी लास्ट एग्जाम पढ़ा था कि एक पेशेंट को कैंसर है, पर उसको कैंसर की वजह से डेथ से ज़्यादा उस टाइम के पेन से फेयर होता है, तो उस चीज़ को भी हमें डील करना है। चिल्ड्रन फेयर बींग अलोन एज वेल एज पेन, चिल्ड्रंस को क्या होता है, वो हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहना ही पसंद करते हैं, लेकिन अगर हम स्मॉल बेबीज़ को हॉस्पिटल में रखते हैं तो उनको पहला अपनी फैमिली से दूर होने का और अकेले रहने का फियर होगा, सेकेंड उनको पेन का फियर होगा, ठीक है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड मीट विद द पेशेंट फैमिली एंड अदर टीम मेंबर टू डिस्कस द प्लान ऑफ केयर, इस ड्यूरिंग में हमें क्या करना होता है, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, ठीक है, उनसे डिस्कस करना है। एक फैमिली मेंबर को हम पेशेंट के साथ रहना अलाउ करेंगे, ठीक है, पेशेंट का लाइक डिसलाइक जानेंगे, और छोटे बेबीज़ में क्या होता है, हम उनका कोई फेवरेट टॉयज़ भी वहाँ रख सकते हैं, उनके गेम भी प्ले करवा सकते हैं, या फैमिली मेंबर्स को भी आना अलाउ करते हैं कि कब अगर बेबी मदर से ज़्यादा क्लोज है तो मदर वहाँ स्टे कर सकते हैं, फादर से तो फादर स्टे कर सकते हैं, तो और जो उनका बेबीज़ का रूम होता है वो भी काफ़ी क्रिएटिव किया जाता है, कलर्स टॉयज़ वहाँ पर अरेंज किए जाते हैं उनके लिए। नेक्स्ट इज डिप्रेशन एंड विड्रो, ठीक है, हमने अभी पढ़ा कैंसर की वजह से पेशेंट डिप्रेशन में भी जा सकता है, ठीक है, क्योंकि वो बार बार उसी चीज़ के बारे में सोचता रहेगा, मुझे ये चीज़ है इसकी वजह से मुझे पेन होगा, इसकी वजह से मेरी डेथ हो जाएगी, तो इट्स अ नॉर्मल कि वो डिप्रेशन में चला जाएगा और सबसे बात करना छोड़ देगा वे, या कहीं ना कहीं वो गिल्टी फील करने लग जाएगा, जैसे HIV पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो वो गिल्टी फील करने लग जाएंगे तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। सजेस्टेड क्वेश्चन टू असिस डिप्रेशन, अब हमें अगर डिप्रेशन को असिस करना तो हमें पेशेंट से कुछ क्वेश्चंस पूछने होते हैं, ठीक है। कैन यू डिस्क्राइब योर मूड फॉर मी, हमें पेशेंट को बोलना कि आप अपना मूड बता सकते हैं, या हम उनसे बोल सकते हैं अभी आप कैसा फील कर रहे हो, कि आपको कैसा फील हो रहा है, अभी आपको कैसा लग रहा है, आप कैसा, आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, या जो भी उसकी फीलिंग है वो हमें बता सकते हैं, उनका मूड अभी हैप्पी है सैड है कैसा है वो हमें बता सकते हैं। हाउ लॉन्ग हैव यू फेल्ट दिस वे, और कितने टाइम से आप ऐसे ही मूड में, अगर पेशेंट बोलता है मैं किसी से बात करना पसंद नहीं करता, मुझे सैड फील होता है, मैं एक ही जगह रहना पसंद करता हूँ, मुझे नहीं पसंद दूसरों से इंटरेक्ट करना, तो हम उससे पूछ सकते हैं कब से आपको ये प्रॉब्लम है, वट इज़ द फीलिंग ऑफ डिप्रेशन लाइक फॉर यू, उनसे पूछेंगे आपको डिप्रेशन की फीलिंग कैसे, आपके लिए क्या है, मतलब डिप्रेशन क्या है आपके लिए, कैसा फील करते हो आप इसमें। हैव यू नोटिस चेंज इन योर लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन अ नॉर्मल एक्टिविटी, तो हम उनसे पूछ सकते हैं कि आपने नोटिस किया है कि आपने पहले की एक्टिविटीज़ में और अब की एक्टिविटीज़ में कोई चेंज आया है, या आपका पहले इंटरेस्ट क्या था या अब क्या इंटरेस्ट है नॉर्मल एक्टिविटीज़ में। नाउ नेक्स्ट इज योर हाउ वुड यू रेट योर फीलिंग ऑफ डिप्रेशन ऑन 1 to 10 स्केल, ठीक है, हम डिप्रेशन स्केल मेंटेन करके पेशेंट से बोल सकते हैं कि आप कैसे इसको रेटिंग करेंगे, 5 पे करेंगे, 6 पे करेंगे, 10 पे करेंगे, तो इससे आपको लेवल ऑफ डिप्रेशन पता लग जाए, जैसे मेजर डिप्रेशन होता है, ठीक है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिप्रेशन और मैनी टाइप्स ऑफ डिप्रेशन होते हैं, तो उसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि उनको एक्यूट डिप्रेशन है, मेजर माइल्ड डिप्रेशन, कौन सा डिप्रेशन है। उसके बाद हम सजेस्ट करेंगे कुछ फॉर चिल्ड्रन, क्योंकि बेबीज भी हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं, ठीक है, तो हम उनसे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हो, आपको लोनली लग रहा है, कि आपको अपनी फैमिली के पास जाना है, आप किसको अपने साथ रखना चाहते हो, आप हमसे बात करना पसंद करते हो या नहीं, हम बेबीज से भी ऐसे करके क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज योर एक्सेप्टेंस एंड रेजिग्नेशन एंड ट्रांसेंडेंस, ठीक है, एक्सेप्टेंस करता है पेशेंट, रेजिग्नेशन करता है या ट्रांसेंडेंस करता है,
ठीक है, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस की हाँ ठीक है पेशेंट को हमने सब डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, उनको बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम ऐसे प्रॉब्लम, तो पेशेंट उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है ये, ठीक है। डिनाई और एक्सेप्टेंस इट्स नो डिपेंड ऑन द पेशेंट चॉइस। एक्नोलेजिंग द इनवाइटेबल फाइनलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ थॉट नॉट नेसेसरी लिंकिंग इट फॉर डाइंग पेशेंट इट इज़ अ रेजिग्नेशन विद द क्वालिटी ऑफ सैडनेस, ठीक है। अगर इसमें क्या होता है एक्सेप्टेंस में, एक होता है नॉर्मली अगर आप किसी को बोलते हैं आपको ये प्रॉब्लम, जैसे डायबिटिक पेशेंट होता है हमारे, डायबिटिक मेलिटस पेशेंट, अगर आप उनको बताओगे तो दे ठीक है, हाँ ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि उनको पता ठीक है मेडिसिन से ये रिकवर भी हो सकता है या मेडिसिन के साथ सर्वाइव कर सकते। लेकिन लाइक कैंसर पेशेंट, उनका इसमें रेजिग्नेशन आ जाता है, हाँ ठीक है ये अनडिज़ायरेबल सिचुएशन है, हमें पता है कि सम ऑफ टाइम अगर रिकवरी नहीं हो पाती तो हमारी डेथ हो जाएगी, लेकिन फिर भी इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज योर रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन इज कि इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ होपलेसनेस टू अ सिचुएशन दैट कैन नॉट बी चेंज। इसमें क्या कर रहा है कि इंडिविजुअल जो होता है वो एक ऐसे एक्सपीरियंस ले रहा है या एक ऐसी चीज़ को महसूस करता है जिसमें होपलेसनेस है रिगार्डिंग द सिचुएशन, जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते। लाइक कि जो कैंसर के पेशेंट लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं, ठीक है, अब लास्ट स्टेज पे आ गए तो वो कि उनको पता है कि वन डे उनको डाई होना है, बट वो सिचुएशन को चेंज नहीं कर सकते, तो उनको वो उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करके आगे सर्वाइव करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज योर ट्रांसेंडेंस। इसमें क्या होता है, इसमें हम इंडिकेट्स करते हैं एक्नोलेजिंग द सिचुएशन बट राइजिंग अबव इट टू अचीव एन इंटीग्रेशन ऑन अ हायर लेवल। ट्रांसेंडेंस इंटीग्रेट द साइको सोशल विद द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द टर्मिनल पेशेंट। इसके अंदर हमारा जो स्पिरिचुअली एस्पेक्ट होता है हम उसको डील करते हैं। इसका मतलब होता है हमारा एग्जिस्टेंस और द एक्सपीरियंस बियॉन्ड द नॉर्मल और फिजिकल लेवल। इसमें हम क्या कर रहे हैं, एक जो हम नॉर्मली हम करते हैं उसके बियॉन्ड हम लेवल पे स्टैंड करने लग जाए। इसमें क्या होता है हमारा स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा वर्क करता है। जो बहुत ज़्यादा इल पेशेंट होते हैं या बहुत ही हाई लेवल पे जिनको पता है कि अब रिकवरी होना बहुत मुश्किल है, तो वो क्या करते हैं अपना एक प्रेयर रूम में जाके प्रेयर करना स्टार्ट करने, जिससे उनसे रिलीफिंग मिलती है या उनको एक कह सकते हैं शांति, पीसफुल इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, उनको पीसफुल मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ योर एंगर। इट्स नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, इट्स नॉर्मल बिहेवियर रिस्पॉन्स ऑफ एनी पेशेंट। Anger is a healthy and understandable response to a numerous and immeasurable loss. The loss of a future unfulfilled promise, shattered dreams and ended relationship. Anger क्या एक healthy and understandable response होता है, बहुत सारे कोई भी हो, anger किसी को भी आता, छोटा बच्चा होता है उसे भी anger आता है, बड़ा होता है उसे भी आता है, patients को भी आता है, जो normally patient होते हैं चाहे वो fever के साथ ही क्यों ना आए लेकिन उनको discomfort होता है तो anger भी आ जाता है। तो एक ये healthy response है क्योंकि anger अगर कोई patient show कर रहा है तो उसके internally जो भी factors है या जो भी feelings है वो बाहर आ जाती हैं easily और हम उसको understand भी कर सकते हैं। लेकिन हमें जो इसका response करना होता है वो बहुत ही peacefully response देना होता है, कि हम भी एंगर शो करेंगे, ठीक है। एंगर इज हेल्दी। एक्सप्रेसिंग एंगर मे बी डिफिकल्ट फॉर फैमिली मेंबर एंड प्रोफेशनल केयर गिवर टू एक्सेप्ट। मीन्स किसी का भी एंगर को जो एक्सेप्ट करना फैमिली मेंबर्स के लिए भी डिफिकल्टी होती है और हम लोगों के लिए, मीन्स जो केयर गिवर्स होते हैं उनके लिए भी डिफिकल्टी होती है, क्योंकि एंगर का लेवल हमें नहीं पता कि पेशेंट कितने एंगर्स में या क्या उसका एंगर करने का लेवल है, ठीक है। तो लेकिन हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करना है केयरफुली। रीज़न फॉर एंगर मस्ट बी क्लियर टू फैमिली एंड केयर गिवर। अगर हमें एंगर दिख रहा है तो हमें उसका रीज़न भी पता होना चाहिए, हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए क्या रीज़न है उसके एंगर का, ताकि दोबारा से वो सिचुएशन क्रिएट ना हो या वो प्रॉब्लम अराइज ना हो कि वो दोबारा से एंगर शो करे। और एंगर का रीज़न फैमिली मेम्बर्स को भी पता होना चाहिए और फैमिली और केयर गिवर को भी पता है, इसलिए हम पूरी कंप्लीट हिस्ट्री लेते हैं, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री भी लेते हैं और हम पेशेंट हिस्ट्री भी लेते हैं। फेयर टू कन्वे रीज़न फॉर एंगर आइसोलेट द टर्मिनली इल पेशेंट, ठीक है। हमें क्या करना है, अगर पेशेंट को बार बार वो सिचुएशन, तो हम उसको आइसोलेट भी कर सकते हैं, एक पीसफुल इन्वायरमेंट में भी रख सकते हैं, ठीक है। और फिर हमें इसमें क्या है, एक पॉजिटिव नर्सिंग रिस्पॉन्स डेमोस्ट्रेट रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी। हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है, ऐसा नहीं कि वो गुस्सा कर रहा है तो हम गुस्सा करेंगे या उसकी केयर करना छोड़ देंगे या पेशेंट के पास नहीं जाएंगे, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमें पेशेंट को एज़ यूजुअल केयर प्रोवाइड करनी है, उसको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है और उसको एक रिस्पेक्ट शो करनी है और एम्पैथी प्रोवाइड करनी है, ना कि सिंपैथी। ओके, क्लियर। इट्स योर साइको सोशल केयर।